सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट का जो क्लास फाइल डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है टेक्निकल, वो कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, इसके लिए हम इक्लिप्स का ही यूज करेंगे। इक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन का टूल इंटीग्रेटेड रहता है, इट इज एन आईडी। तो इसमें आप प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट और वैसे ही डॉक्यूमेंट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइन, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें क्लास फाइल कितने हैं, ठीक है। सो लेट्स से मुझे इसी प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट वेब ऐप का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो डिप्लॉयमेंट वेब ऐप को हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर जेएसपी फाइल्स है एंड यहाँ पर एसआरसी पूरा का पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे इस पे, ठीक है। एक नया क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू एंड यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं। ये कोई भी बिजनेस लॉजिक का क्लास हो सकता है, लेट्स से कैलकुलेट, ओके कैलकुलेट सर्विस, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कर देता हूँ, इसको पब्लिक रखता हूँ और इसको पैकेज में रख देते कॉम डॉट सी आई डॉट सर्विसेस, ओके इसको कर देते यहां से फिनिश। फिनिश करने के बाद यू कैन सी हियर वी हैव गॉट द क्लास। अभी इसमें एक मेथड रखता हूं मैं, पब्लिक वॉइड, ओके पब्लिक, इट्स अ पब्लिक इंटीजर एंड एड इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, ओके इसको एक मेथड में डिफाइन कर देते रिटर्न एक्स प्लस वाई, ओके। सिमिलर वे में मेरे पास एक दूसरा भी क्लास है, दूसरा भी मेथड है, सब्ट्रैक्ट एंड इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई एंड लेट्स से रिटर्न माइनस एक्स, ओके। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स हो सकते हैं। अब मुझे इस क्लास के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, सो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, ओके क्लास डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बट दिस इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट बनाना है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट कमेंट, ओके। क्या करना है, आपने डबल स्टार देना है, स्लैश के बाद डबल स्टार देना है एंड जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ, सो यू कैन सी मोर डिटेल्स आर कमिंग हियर, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑथर के आगे मैं लिख दूंगा अपना नाम, जैसे ऑथर का नाम हमें शो नहीं करना है डॉक्यूमेंट में, बट दैट्स फाइन। एंड इसके बाद सी एक टैब दे सकते हैं एंड इसमें लिख सकते हैं क्लास के बारे में, कैलकुलेट सर्विस क्लास टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन, ओके इसको कर देते हैं सेव। लेकिन मेन जो हमारा रहता है डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज रिगार्डिंग द मेथड्स, ओके जितनी भी मेरे मेथड्स है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। तो यहां पर अगर मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है तो इट इज गिविंग मी एवरी ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, ओके। सो यहां पर मैं डाल देता हूं एक्स के बारे में, फर्स्ट ऑपरेंड, ओके इसके बारे में लिख देते हैं सेकंड ऑपरेंड, ओके एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू, ओके एंड एट द रेट सी में डाल देते हैं दिस फंक्शन टू एड टू नंबर्स एंड रिटर्न एडिशन दिस, ओके। इतना अगर हमने कर दिया तो अभी हमें क्या करना है, सेम केस इसके लिए भी करना है। तो मैं सबसे पहले तो इसमें सेम वेरिएबल लिया है हमने, सो हम लोग यहां से कोड को ओके यहां से कोड को कॉपी कर लेते हैं, ऑपरेंड की जगह फर्स्ट आर्गुमेंट लिख देता हूं मैं यहां पर, ऐसे सेकंड आर्गुमेंट, ओके एंड रिटर्न क्या कर रहे हो, रिटर्न सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके इंटीजर वाला इंटीजर, ओके इसमें सी में लिख देता हूं मैं दिस इज सब्ट्रैक्ट, इसको कर दिया मैंने सेव। अभी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे हम, ओके और यहां से क्या करेंगे, मुझे इसका पर्टिकुलर इस क्लास का अगर क्लास का नहीं पैकेज का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है या फिर इस प्रोजेक्ट का जावा डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर राइट क्लिक करूंगा
एंड जैसे हमने एक्सपोर्ट वार फाइल किया था वैसे ही हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट जावा डॉम। ओके, एक्सपोर्ट में जाएंगे हम एंड जैसे वार फाइल क्रिएट करते हैं फॉर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, वैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाके यहां पर आपको सिलेक्ट करना है क्या, जावा डॉक। ओके, सो यहां पर जावा डॉक ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा आपके सिस्टम में। जैसे इस पे क्लिक करता हूं मैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ओके, ये कहां से डॉक्यूमेंटेशन उठा रहा है, देखो जावा डॉट डॉट ईएक्सई, ये कहां पे है, जहां पर आपका जावा सी और जावा अवेलेबल है उसी फाइल में ये भी अवेलेबल है। ठीक है, मुझे इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा पैकेज है सिलेक्टेड, com.ci.services, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्लासेस रहेंगे सबका मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर, जैसा हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर ही हम प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट लिख देते हैं एंड उसमें इसको सिलेक्ट फोल्डर करके रख देंगे। ठीक है, ये मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर रहेगा। इसके बाद आपको करना है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट, ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट एंड यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपका सोर्स कोड जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, मेरा जेडीए 1.8 है तो मैं 1.8 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जैसे ही ओपन जनरेटेड इंडेक्स फाइल इन ब्राउजर, या इसको आप क्लिक कर देंगे तो वो फाइल आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल अनचेक रख रहा हूँ क्योंकि हम डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर फिनिश करता हूँ, ये पूछता है डू यू वॉन्ट टू अपडेट द जावा डॉट लोकेशन डिप्लॉयमेंट वेब ऐप विद द चूजन डेस्टिनेशन। यस, मुझे इस डेस्टिनेशन पे चाहिए। ठीक है, जिसमें फोल्डर है, जिसमें प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे सेपरेट डायरेक्टरी में चाहिए, यही ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस। ओके, इट इज रनिंग सम कमांड्स। ओके, ये बैकग्राउंड में कुछ कमांड्स रन कर रहा है और जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पूरी की पूरी फाइल्स इसने क्रिएट करके रख दी। ओके, एंड ये डॉक्यूमेंट आप अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल HTML, ओके, नॉर्मल HTML और CSS का यूज किया। जैसे मैं index.html के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर अगर 15 क्लासेस रहेंगे तो 15 क्लासेस का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो मैंने एक ही क्लास बनाया था उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यू कैन सी द ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल हियर। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट हमने एड फंक्शन लिखा था, सब्ट्रैक्ट फंक्शन लिखा था, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सारी के सारे डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सिंपल वे इक्लिप्स का यूज करके, आपको अपने जावा डॉक का यूज करके जितने भी क्लासेस है उससे रिलेटेड टेक्निकल क्या करने हैं, टेक्निकल आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन बनाकर रख देना है ताकि जो भी नेक्स्ट यूजर आएगा वो क्या करेगा, गो थ्रू करेगा या फिर यहाँ से डायरेक्ट लेट से इंडेक्सेस में चले जाएगा तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, इंडेक्स में ए से कौन से फंक्शन है, सी से कौन से फंक्शन है, एस से क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें उसको मिल जाएगी, वो इजिली यू कैन गो थ्रू दैट। फाइन, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर जावा डॉक यूजिंग इक्लिप्स। ओके, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते वक्त आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी अगर आपको एरर आता है तो प्लीज डू कमेंट इन बिलो, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू।